कौन कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देते हैं? कौन कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देते हैं? ये ऊपर हेडिंग है जो इस तरह का, जो आगे का क्वेश्चन है अगर ना भी समझ में आए एक मिनट के लिए तो इसको छोड़ देना, प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। दो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 5 मार्क का है, 5 क्वेश्चन रहेगा, तो यानी कि 1 लाइन में आंसर देना है। अगर लिखा रहे कि 1 शब्द में दो तभी 1 शब्द में देना, और सीधे लिखा रहे कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो 1 शब्द में नहीं देना, 1 लाइन में देना। हाँ, 1 या 2 लाइन हो जाए तो चलेगा, 1 नंबर वाले में। क्वेश्चन भी उसके साथ होगा। हाँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें प्रश्नों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो तो है, उसे कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कुछ उसको हार्म नहीं करना चाहिए, तो हार्म वर्ड नहीं देना है, क्योंकि हिंदी पढ़ते तो हिंदी का वर्ड ज़्यादा यूज करना हर जगह, उसे कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। Yeah.
क्या बेटा? हाँ सब तुम लोग को याद करना है। कौन सर्दी कर रहा है? Thank you.
कभी हाँ मैंने कर दिया है। Yeah.
कहाँ गया दूसरा?
नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा है? यही बात, नन्ही और बिच्छू की कहानी से हमने यही सीखा है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बस इतना ही। वीडियो बेटा कोई जरूरी नहीं है कि अभी जाए, क्यों यहाँ क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में क्या करना है? इतना बात है कर नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या पेन कहाँ चला गया?
चलो नाम नाम एक लाइन से बोलो, अभी मेरे पास वो नहीं है। तो मैं बीच में ले रहा हूँ।